नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी अहम है। डॉक्टर इसरा रहमत साहब ने इल्म नजूम पर अजीब दलायल दिए हैं कि इल्म नजूम असल में हकीकत है क्या, सितारों का हाल कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, और हाथों की लकीरों के बारे में जो लोग कहते हैं, अपनी राय देते हैं, अपना इल्म जाहिर करते हैं, उसकी हकीकत क्या है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक क्लिप मेरे दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उस क्लिप के अंदर मेरे दोस्तों डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने अजीब दलायल पेश किए हैं, और मेरे दोस्तों एक अजीब नुक्ता डॉक्टर साहब ने बयान किया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर ने मलकए सबा का तख्त आंख झपकने से पहले किस तरह सामने हाजिर कर दिया था। मेरे दोस्तों, आप डॉक्टर इसरार अहमद साहब के इस क्लिप को अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों बर वक्त आपको मिल सके। अब मेरे दोस्तों डॉक्टर साहब का यह अहम क्लिप सुनिए। आज के दौर में अखबार में आज का दिन कैसा रहेगा, सितारे क्या कहते हैं, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, इसके बारे में फरमाएं। देखिए, ये सारी चीजें वो हैं कि जिनका तस्करा एक लफ्ज से किया जाता है, ये चूंकि मुताल्लिक है और अमली मामला है, आज की हदीस के हवाले से भी उसमें ये चीज आ जाएगी। इनको कहा जाता है ऑकल्ट साइंसेस। एक साइंसेस है जो बिल्कुल वाजे है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, फला है, फला है, बायोलॉजी है, ये खुलम खुला साफ हवा से खमसा के जरिए से उनका इल्म हासिल किया गया है। फिर ये कि इंटेलेक्ट के जरिए से, पावर ऑफ रीजनिंग के जरिए से इन्फ्रेंस होता है, नतीजा निकाला जाता है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए से फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है। ये इल्म है, ये साइंस, एक ऑकल्ट साइंस है, ये हाथ की पामिस्ट्री है, ऑकल्ट साइंस शुमार होती है, ये साइंस नहीं है। लेकिन ये भी ये एक तरह से इन्हें कह दिया गया कि हाँ, इनमें भी कुछ है, कोई हकीकत है। इसी तरह नजूम सितारा शनासी है, आप पैदा कब हुए थे, वो जो है साइंस ऑफ नंबर्स वगैरह वगैरह, इन सब को एक लफ्ज में जमा कर लीजिए, ऑकल्ट साइंसेस। दूसरी बात ये जान लीजिए, इनमें कुछ ना कुछ हकीकत है, इसलिए कि इस कायनात की जो तखलीक है, जो अल्लाह ने की है, ये चीजें आपस में बड़ी मजबूत है। आखिर कोई वजह है कि मेरे अंगूठे का निशान कुछ और है, आपका कुछ और है, कोई एक नहीं है, और फिर ये बदल भी जाते हैं। कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन अगर होती है जरा, तो ये हाथ ये लकीरें बदलती हैं, तो ये कोई इंडेक्स है। अब देखिए, जैसे मैं अब आखिरी मिसाल दे दूं, शहर हक है, जादू हो सकता है, जादू है, हकीकत है जादू, लेकिन जादू करना जायज नहीं है। एक चीज का होना और शह है, उसका जायज होना और शह है। शराब है, उसमें सुरूर है, उसमें कुछ थोड़ा सा नफा भी है। कुरान मजीद खुद कहता है कि इसमें कुछ इस्म का पहलू भी है, नफा का पहलू भी है। इसमें होगा अकबर में नफरेमा, शराब और जुए का जो गुनाह का पहलू है वो ज्यादा बड़ा है नफे के पहलू की नस्बत, लेकिन हराम है, तो हम तो इस हुक्म को लेंगे कि हराम है। इसी तरह जादू हक है लेकिन हराम है। इसी तरह ये चीजें, इनमें कुछ ना कुछ हकीकत है, लेकिन हुजूर ने फरमाया, ये हदीस अब सुन लीजिए, जिस शख्स ने नजूमी की कही हुई बात को मान लिया, हक समझा, उसने उस शय की नफी की जो मैं लेकर आया हूं। मैं लेकर आया हूं कुरान, मैं लेकर आया हूं हिदायत, मैं लेकर आया हूं वो अहकाम जो अल्लाह ने मुझे दिए हैं तुम्हारे लिए, तुम इनके पीछे लगो, इनको इनको अपना इमाम बनाओ, इन्हीं को समझो, इन्हीं को दिल में जगा दो, इन्हीं को दिमाग में बिठाओ, बाकी ये अशिया जो है इनकी तरफ तवज्जो ना करो। वरना हमें मालूम है कुरान मजीद में है, हजरत सुलेमान के एक वजीर ने वो कारनामा कर दिया था कि नहीं, मलका सभा का तख्त कहां से कहां पहुंचाया, चश्मे जगन में, जबकि इफ्रीतु मिनल जिन ने भी कहा था कि जब तक ये आज का आपका ये जो है बर्खास्त नहीं होता दरबार, उस वक्त तक तो मैं ला सकता हूं, मैं वो मलका सभा का बिल्किस का तख्त ले आऊंगा इससे पहले कि आज दरबार बर्खास्त हो। लेकिन जो एक साहिब किताब का इल्म को था, कोई इल्म, कौन सा इल्म था वो इल्म कुरान का हदीस का तो नहीं, कोई और इल्म था, लेकिन उसने क्या किया, मिन कबल अन यर्तद्दा इलैका, इससे पहले कि आपकी निगाह जो है वापस आए, मैं लाजिम तौर सामने मौजूद था वो। लेकिन क्या ये इल्म हुजूर ने हमें सिखाया, क्या सहाबा को सिखाया, क्या अबू बकर को ये मौजूदे सिखाए, क्या हजरत उमर को सिखाए? मां तो ये कहा, भाई अल्लाह की राह में जाओ, जंग करो, मेहनतें करो, जिद्दोजहद करो, कोशिश करो, इसी आलम वाकयात के मुताबिक जिद्दोजहद करके काम करना है, ये चीजें नहीं सिखाई।
तो इन्हीं के खाते में रख लीजिए इन तमाम चीजों को कि ये चीजें बिल्कुल हकीकत से खाली नहीं है, इनके अंदर कुछ हकीकत है। और आज मैंने अभी क्योंकि इस मौजू पर एक मुजाकरा हाल ही में हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, उसमें बहुत बड़े जो हमारे यहां के पामिस्ट हैं एम ए मलिक वो भी आए हुए थे, उनसे जिंदगी में पहली मुलाकात वहां हुई, और अशफाक साहब भी थे, अशफाक अहमद तलकीन शाह साहब, वहां गुफ्तगू हुई। तो मैंने कहा कि आज की दुनिया में तो ये शय हमें इतनी मालूम है, जीन्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो अगर हाथ के अंगूठे में लिखा हुआ कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी शय है। हर सेल के अंदर जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जीन्स है उसमें हर शय मौजूद है, आपकी पूरी हस्ती मौजूद, आपका पूरा वजूद मौजूद, तो बहुत ही छोटी सी शय में है ये अंगूठा हो या हाथ का ये पूरा हो, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन चीजों की तरफ तरगीब नहीं दिलाई, हमें रखा है किताबुल्लाह पढ़ो और समझो, मेरी सुन्नत पर अमल करो, और जो दुनिया में जो मादी वसाइल और जराए हैं उनको तस्खीर करो, उन्हें इस्तेमाल करो, तवक्कुल अल्लाह पर रखते हुए भरपूर ऐतू लहू मस्तकातु, ये नहीं कि बैठकर तुम अपनी वो तपस्याएं करके रूहानी कुवत इतनी तैयार कर लो कि बस एक थूक मारो और पूरी का पूरा लश्कर लश्कर कुफार खत्म हो जाए। दिस दैट वाज नॉट द वे ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना वो फूक मारने की ताकत सबसे बढ़कर तो हुजूर में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आपके भी दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, आपके भी इंतहाई महबूब चचा खालाजाद भाई चचा और दूध शरीक भाई और साथ के खेले हुए हमजोली असदुल्लाह व असद रसूल ही वो शहीद हुए हैं और उनकी लाश आपके निगाहों के सामने आई है। तो हमें वो रास्ता अख्तियार करना है, मा अना अलैहि वासादी। उम्मीद है मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अल्लाह पाक हम सबको राय हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।